हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वूट ऐप पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है द गॉन गेम। तो यार मुझे पता है कि मैं काफी लेट हो चुका हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे एफर्ट्स को पहचानिए, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस, क्योंकि मैं रोज डेली वीडियोस बनाते रहता हूँ और आप लोगों के लिए कोशिश करता हूँ कि आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो बच सके। तो बात करेंगे हम लोग इस वेब सीरीज की, तो इसमें हमें 4 एपिसोड देखने मिलते हैं जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 28 मिनट्स के हैं, यानी कि ओवरऑल करीब 1 घंटे 45 मिनट की वेब सीरीज है। कहानी शुरू होती है 22 मार्च इंडिया में, जहां पर आपको पता है कि जनता कर्फ्यू लगा था क्योंकि हमारा इंडिया फर्स्ट स्टेज में था कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हुआ था, वो ये था कि भाई जो लोग जहां थे वो वहीं फंस के रह गए थे। फिर अब बात करते हैं पॉइंट की। कहानी शुरू होती है गुजराल फैमिली से, जिसमें हमें नजर आते हैं राजीव गुजराल, सुनीता गुजराल, अमारा गुजराल, डॉटर इन लॉ सुनैना गुजराल और उनका बेटा साहिल गुजराल। खैर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साहिल गुजराल बैंकॉक से आता है और उसको ऐसा लगता है कि उसे कोरोना वायरस हो गया और इसी वजह से वो खुद को सेल्फ क्वारंटाइन कर लेता है। लेकिन इसके बाद क्या कुछ होता है ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। देखिए भाई ये एक थ्रिलर सीरीज है, तो इसलिए मैं इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि आपका जो मजा है वो मजा खराब हो जाएगा और मेरे पास जितने भी गिने चुने जो मेरे व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस देखते उनको ऐसा लगेगा कि मैंने स्पॉइलर दे दिया और इस वजह से वो लोग मेरे वीडियो पे दोबारा विजिट नहीं करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता हूं। खैर बात करेंगे सीरीज की कुछ अच्छे पॉइंट्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे सीरीज के कॉन्सेप्ट की। पर्सनली यहाँ पर जो मेकर है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कहानी आप लोगों के सामने लेकर आए और कहानी इस पूरे सीरीज की मेन विनर है। अगर ये कहानी नहीं होती तो ये सीरीज का कोई मतलब नहीं होता और ये पूरी तरह से फ्लॉप हो जाती। उसके अलावा सीरीज को पूरी तरह से लॉकडाउन में बनाया, तो इसी वजह से इसको मोस्टली घरों पर ही शूट किया और घर में सीरीज शूट करना और यहाँ पर जितने भी मेन कैरेक्टर्स है वो लोग वीडियो कॉलिंग के जरिए एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे, तो वहां पर सस्पेंस का माहौल क्रिएट करना और लोगों को बांधे रखना एक अच्छे डायरेक्शन की निशानी है। और मैं इस सीरीज के लिए एक ही चीज बोलूंगा, वो ये है कि भाई 1 घंटा 45 मिनट आपको एज ऑफ द सीट रखती है। उसके अलावा सीरीज में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूंगा तो यहाँ पर सभी एक्टर्स का काम मुझे डिसेंट लगा, लेकिन श्रेया पिलगांवकर का काम मुझे ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर उनके कैरेक्टर को इस तरह से लिखा कि जो भी एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले करेगा ना तो उसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी और यहाँ पर श्रेया पिलगांवकर ने अपनी एक्टिंग स्किल को बहुत ही अच्छी तरह से बताया और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कल में वो भी एक अच्छी एक्ट्रेस बन के उभर सकती है, होप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे टैलेंट तो बहुत सारे लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन अगर श्रेया पिलगांवकर जैसी एक्ट्रेस को अगर मौका मिले तो शायद वो भी अच्छा कुछ कर सकती है। बात करेंगे इस शो की दूसरी मेन हाईलाइट की, तो वो है इसका बीजीएम। भाई इतना जबरदस्त बीजीएम है कि जो टेंशन का माहौल है ना वो इस सीरीज के बीजीएम से क्रिएट होता है। उसके अलावा इस सीरीज में आपको फालतू का कुछ भी मेलो ड्रामा देखने को नहीं मिलेगा, काफी क्रिस्प राइटिंग है, यानी कि कट टू कट एपिसोड रखा गया और हर एक एपिसोड को एक अच्छे ट्विस्ट पे खत्म करता है जिससे आप खुद ब खुद नेक्स्ट एपिसोड देखने पर मजबूर हो जाते हो। खैर अब बात करेंगे सीरीज की कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। सीरीज के जो मेकर्स है वो लोग अगर थोड़ा और टाइम लेते और एपिसोड्स को थोड़ा और बड़ा बनाते और थोड़ा और डिटेलिंग में चीजें बताते तो थोड़ा टेंशन और भी ज्यादा क्रिएट होता और देखने में और भी ज्यादा मजा आता। उसके अलावा सीरीज में 4 एपिसोड नहीं होना चाहिए यार, और भी ज्यादा एपिसोड होना चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार आगे क्या होगा और ये सीरीज मेरे हिसाब से अभी तक खत्म हुई नहीं है, तो शायद सीजन 1 में हमें और एपिसोड देखने को मिले या तो फिर शायद जो आगे की कहानी है हमें सीजन 2 में देखने को मिले, ऐसा मुझे फील हो रहा है। खैर अब बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो यार ये सीरीज में आपको कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही कोई बैड वर्ड का यूज किया गया। ये पूरी सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हो। बात करेंगे रेटिंग की, जो कि मैं देना पसंद नहीं करता, मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज को मैं पर्सनली 5 out of 5 दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया के कुछ टैलेंटेड लोग अगर इस तरीके की चीजें बना रहे तो उसको कोई सपोर्ट करे या नहीं करे अरहान एंटरटेनमेंट जरूर करेगा। और बस यार इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना। Bye.